बॉलीवुड की इरोटिक फिल्मों की बात हो तो इस सूची में पूजा भट्ट की फिल्म जिस्म 2 भी शामिल होगी। जिस्म 2 को 9 साल पूरे हो चुके हैं। बारिश के रोमांटिक मानसून में जिस्म 2 को रिलीज किया गया था, जिसने इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया था। जिस्म 2 के 9 साल पूरे होने के मौके पर रणदीप हुड्डा ने सुपर सेक्सी फोटो शेयर किया, जिसने इंटरनेट पर सनसनी मचा दी है। रणदीप हुड्डा ने सेमी न्यूड फोटो शेयर करते हुए लिखा, आज से 9 मानसून पहले जिस्म 2, यानी कि एक्टर ने फिल्म के 9 साल पूरे होने के मौके पर यह तस्वीर शेयर की। इस तस्वीर में दोनों ही बोल्ड पोज देते हुए नजर आ रहे हैं। सनी लियोनी और रणदीप हुड्डा का ये अवतार आज तक सिर्फ जिस्म 2 में ही देखने को मिला है। पूजा भट्ट द्वारा निर्देशित फिल्म जिस्म 2 साल 2012 में रिलीज हुई थी, जिसे महेश भट्ट ने लिखा था। ये फिल्म साल 2003 में आई फिल्म जिस्म का सीक्वल था। जिस्म 2 की लीड कास्ट में सनी लियोनी, रणदीप हुड्डा और अरुणोदय सिंह शामिल थे। तीनों के ही बेहद बोल्ड सीन इस फिल्म में शामिल थे। जिस्म 2 की फिल्म से जिसने सबसे ज्यादा चर्चा बटोरी थी वो थी सनी लियोनी। सनी लियोनी ने बॉलीवुड में इसी फिल्म से एंट्री ली थी। जिस्म 2 ही सनी लियोनी की डेब्यू फिल्म थी। सनी लियोनी पॉर्न इंडस्ट्री को हमेशा के लिए अलविदा कहकर बॉलीवुड में आई थी, लेकिन उन्हें पहली फिल्म इरोटिक ही मिली। इससे सनी लियोनी को खूब फेम भी मिला। महेश भट्ट ने सनी लियोनी को एक बार देखते ही जिस्म 2 के लिए कास्ट कर लिया था। बिग बॉस में सनी लियोनी ने एंट्री ली थी। बिग बॉस के घर में ही सनी लियोनी को अपनी पहली फिल्म जिस्म 2 के लिए चुना गया था। पूजा भट्ट ने तो इस कास्टिंग पर कहा था कि वे लोगों की धारणाएं तोड़ना चाहती हैं कि पॉर्न स्टार एक्टर क्यों नहीं बन सकती। जिस्म 2 को कुछ खास रेटिंग तो नहीं मिली, लेकिन फिल्म लोगों ने जरूर नोटिस की। IBN, इंडिपेंडेंट बॉलीवुड, फर्स्ट पोस्ट ने 1 स्टार तो हिंदुस्तान टाइम्स से लेकर बॉलीवुड हंगामा और तरुण आदर्श ने 2 स्टार फिल्म को दिए थे। जिस्म 2 ने विवाद का सामना भी किया। बजरंग दल व अन्य लोगों ने इस फिल्म को लेकर प्रदर्शन किया था। असम, अमृतसर से लेकर मुंबई तक कई जगहों पर जिस्म 2 को लेकर विवाद खड़ा हुआ। कुछ लोगों ने पॉर्न स्टार को प्रमोट करने व अश्लीलता का आरोप लगाते हुए फिल्म को बैन करने की मांग की थी, जिसमें अभी अभी ये कसूर है मेरा, मौला ये जिस्म है तो क्या, डरा हूँ समेत सारे गाने फैंस को भरपूर पसंद आए थे। इसके अलावा इस फिल्म में रणदीप हुड्डा भी कई बोल्ड सीन करते नजर आए, लेकिन इस फिल्म के बाद उन्होंने करियर में जबरदस्त उछाल ली। उनका ये सफर सलमान खान की किक और फिर राधे में सुपर विलन तक जा पहुंचा। बॉलीवुड की और भी इसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए NV News।